मैं पता दस बंदे लेके बैठा था आज बाहर सुनने का मैच देखने मैं कहा आज आज हेट वॉच करेंगे मैं कहा आज तुम्हें बता, आज मैंने उनको बताया मैंने कहा आज आज हेट वॉच करेंगे हमें हमें बिल्कुल रहना वो तो फैन हो गए <laughs> वो तो फैन हो खुश हो गए वो वो बहुत खुश हो गए कि सर बढ़िया चीज़ है अरे तो बढ़िया बढ़िया टीम है बढ़िया स्पोर्ट है तो बहुत मज़ा आ गया अरे तो दिव्यांश भाई रोज बुलाया करो तो फिर मैंने उनको रियलमटी का मैच दिखा दिया एक रियालमेडेड फैन होने के नाते ना मैं अपना हर जगह एम्बापे को इमेजिन करने लगा मतलब रफीनिया मेरे को गोल मारता मार दिखता है तो मैं एम्बापे को देखता हूँ वहाँ पे मेरे को अगर लेवन डाउस की गोल मारता वो दिखता है लेवन डाउस की पोच करता हुआ दिखता है तो मैं एम्बापे को देखता हूँ मेरे को कमला एरिस दिखती है तो मैं एम्बापे को देख लेता हूँ मैं मैं अगर हगरा हूँ और मेरे घर में पानी नहीं है तो फिर मेरे को लगता है कि एम्बापे आएगा क्लच कर जाएगा बट ऐसा होता नहीं यार बट अगर यहाँ पर सबसे पहले कहानी की बात करें तो देखो बार्सिलोना के लिए ना मैच मस्ट विन नहीं था बट अगर उनको लिवरपूल स्पोर्टिंग लाइक ब्रेस्ट अगर इन सब के उसमें मतलब अपना टॉप एट कंफर्म करना था तो आज विक्ट्री जरूरत थी और साथ ही साथ हमको लग रहा था कि हंसी प्ले शायद से रोटेट कर दे वो नहीं देखता भाई उसको नीचे अगर कल को तुम यहाँ पर अगर कबड्डी का मैच करवा दोगे या फिर गिल्ली डंडा का मैच करवा दोगे तो वो इसी लाइनअप को उतारेगा उसके लिए रोटेशन का कोई मतलब नहीं है बट ये भी एक तरीका है काफी लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं बट मैं इसके पीछे इस फिलोसफी को बैक मानता हूं कि आई थिंक हंसिफ्लिक समझता है कि अगर मेरा विनिंग फॉर्मूला है तो फिर मैं उसको चेंज क्यों करूं और कहीं ना कहीं ये जो टीम है ये जो ग्यारह बारह बंदे हैं ना ठीक है मतलब एक आधे इधर उधर होता है लेकिन ये जो ग्यारह बारह बंदे हैं अगर इन्होंने एक दूसरे के साथ जीतना सीख लिया है और अफकोर्स हंसिफ्लिक के लिए जीतना मतलब तोड़ना होता है सामने वाली टीम को अगर ये तोड़ना सीख लिया है तो मैं इसको क्यों तोड़ूं मैं इस मोमेंटम को क्यों तोड़ूं फकोर्स यहां पर अगर हम लमीन यमाल की बात करें पूरा मैच पेल दिया भाई तो अफकोर्स एक टाइम के बाद एग्जॉस्टन पॉइंट आ जाएगा तो हनसीप्ले आई थिंक मोस्ट प्रोबली इस चीज को नोटिस करेगा बट क्योंकि दो गेम बाद ही यहां पर इंटरनेशनल ब्रेक है तो इट अंडरस्टैंड अब गेम की अगर हम बात करें तो लाइक like, रेट साहब बिलग्रेड की अगर हम फिलोसफी की बात करें ना तो अंटिल जब तक उन्होंने पहला गोल नहीं खाया जो कि अगेन मतलब इस बार सुना के रिगार्डिंग ऐसा कौन सा पैरामीटर है जहां पर आप कह सकते हो कि ये कमजोर है इनको वहां से तो ट्रांजिशनल टीम ब्रिलियंट रफीनिया कभी भी आपको खोल सकता है एलेवन डाउस की होल्डअप कर सकता है लमिनिया यमाल चार पांच बंदों को काटा सकता है और आज तो एक नया कैरेक्टर अनलॉक हो गया जो कि आई थिंक नया कैरेक्टर नहीं है बट आज थैंकफुली मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी तारीफ करेगी और वो है जूल्स कोंडे भाई ट्रांजिशनल मेरी टीम बेहतरीन है सफोकेट करती है आपको पोजिशन रखती है तो हैवी पोजिशन टीम है प्रेस करती है और हाई डिफेंसिव लाइन रखती है यानी कि पूरा ऊपर चढ़ के आपकी छाती तक बिल्कुल निप्पल के दर तक खेलती है अपनी टीम इसके साथ ही अब सेट पीस पे भी ये तोड़ती है टीम तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर बारसोना कह सकते हो और दिस इज द रीजन भाई जो यही तो वो चीजें होती हैं जो कि आपको चैंपियंस लीग हो कोपा दिल रहे हो स्पेनिश सुपर हो साउदी प्रो लीग हो डोनाल्ड ट्रंप कोई सा भी टूर्नामेंट हो यहां पर ये ही वो पैरामीटर्स होते हैं जहां पर अगर ये सब है आपके पास तो आपकी टीम जीत सकती है और जीतने के पूरा भाई अगर बारसोना फेवरेट है तब हर्ष क्या है ये मानने में अब देखो यहां पर मेरे को लगता है कि आज पहले हाफ में जो हमने इंटरेस्टिंग मैचअप देखा ना वो ये था कि रेड ने एक चीज को समझ ली थी कि दे हैव टेक्निकल पावर है उनपे है ठीक है उनको बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए एंड भाई जो उन्होंने गोल मारा था सब लोग कहेंगे कि भाई हाई डिफेंसिव भाई इट वॉज नॉट हाई डिफेंसिव लाइफ इट वॉज देयर वन टच पासिंग और टिकी टाका वन टू और वो वो जो प्रेस प्रूवन हम कहते हैं ना कि बार सब प्रेस कर रही है लेकिन दिल निकल गए और गोल भी बहुत प्यारा मारा था ऑफ कोर्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी गेम में बारसूना बिना ऑफ साइड के सामने वाली टीम को जीने दे तो वो तो होता ही यार हटाओ यार इस रूल को नया नया रूल लेके आओ लेकिन मेरे को यहां पर जो दो तीन चीजें लगी बादशाह की रिगार्डिंग में पहला तो मेरे को थोड़, थोड़ा मेरे को ईजी गोइंग लगे बादशाह के अगर हम प्लेयर्स की बात करें ना, पहले हाफ में मतलब आई थी मेरे को लगता है कि हाफ टाइम पर तो हरजीप दिया होगा उसके बाद जो जो वो होता है ना कि चोक करना वो चोक कर दिया इट वॉज अंटिल गेम ओवर हो गया था मैं सही बता रहा हूं दो एक तक तीन एक तक चार एक तक पांच एक तक वो एक एक करके बस वो फैलते जा रहे थे लेकिन अगर हम यहाँ पे जेराड मार्टिन की बात करें ही स्टिल लाइक ना आपको दिख जाएगा वो अलग से वो चलता हुआ मूवमेंट में वो उसकी पासिंग में वो उसके आई क्यू में अलग दिख जाएगा वो बार में अभी फिलहाल वो इधर बिलोंग नहीं करता इस स्टार्टिंग लेवन के आसपास बिलोंग नहीं करता

मतलब इतनी यंग एज में इतना डोमिनेंट इतना प्रिसाइज इतना टेक्निकल इट्स लाइक मतलब वो फ्रेंकी डिओ मैं देख लू हाँ ए मैं संभाल लू मिडफील्ड तू आगे गए आराम से तो ये तीन चार चीजें मिलकर मतलब है इंटरेस्टिंग मैचअप था अफकोर्स यहाँ पर अगर हम सिलस की बात करें तो डोमिनेंट नहीं लग रही थी बट फिर भी भाई रेड साहबेट फिजिकल टीम थी देवर विनिंग डूअर्स देवर एक्चुअली कर रहे थे बट उनका अगर डिफेंस की बात करें देवर मतलब लाइक उनका एक सिंपल था कि वो बॉक्स डिफेंडिंग करेंगे वो एक जोनल रखेंगे चाहे फोर फाइव वन हो चाहे फाइव फोर वन हो बट द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मैं दे सकता हूं ना भाई इस बार सुनने के प्लेयर्स को पता है कि किसको कब ड्रॉप करना है किसको किस पॉकेट में आना है किसको बिटवीन द लाइन्स आना है चाहे वो यहां पर लमीन यमाल अंदर आए जूस कोंडे ऊपर चला गया कुंडे अंदर आ गया लमीन यमाल बाहर चला गया रफीन या लेमन हाउस के आ गए वहीं पर आपने फ्रेंकी डियोंग को डाल दिया वहीं पर आपने पेडरी को डाल दिया मेरे को इस बार के रिगार्डिंग ना जो सबसे बेहतरीन चीज लगी ना जिसको आई थिंक मैं ब्यूटीफुली लाइक ऐसे रख सकता हूं कि फर्स्ट हाफ में तुम देखोगे कि बारसोना इतनी बेहतरीन नहीं थी डिस्पाइट वो चांसेस ले रहे थे डिस्पाइट वो यहां पर लग रहे फिर भी तुमको लग रहा था ईजी गोइंग है एंड लाइक द दाल ब्रिगेड ऊपर लेके आ रहा था गेम को अपना उनके टॉप नॉर्थ वन वन पे था और सेकेंड हाफ में फिर आपने देखा कि फिर तो छक्के छुड़ा दिए मतलब फिर तो पिटाई हो गई एक तरफ इसके इसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि इट्स ईजी फॉर बारसोलोना टू फाइव वो अपनी मतलब हाफ है पहले हाफ में भी बॉल उनके पास ही थी एंड सेकेंड हाफ में भी बॉल उनके पास ही है तो चेंज करना इट्स ऑल अबाउट कि हंसे फ्लिक को पंद्रह को हड़काने के लिए उसको दो तीन ट्विक्स करने क्योंकि इंटर की बात करें जो कि हम बात करेंगे बार्सिलोना को बस इतना देखना है कि जो 80 परसेंट बॉल उनके पास ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में है सेकंड हाफ में भी वो अस्सी परसेंट ही होने वाले बस उसको कैसे इस्तेमाल करने वाले और तुमने देख लिया एक बार बारसून एग्रेसिव क्लिक करती है तो वो एक वन वा, वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन अगेन लमीन यमाल मेरे को लगता है कि यमाल हर मैच में वो कंसिस्टेंसी तो आती है लेकिन एक वो तीन चार क्लिप्स तो ऐसी होती है यहाँ पर लगता है आपको भाई 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 ये ये, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर टैकल लग के बॉल छूट जानी चाहिए ये लमीन यमाल बॉल क्यों नहीं छोड़ रहा जूल्स कोंडे की हम बात करें आप ब्रिलियंट बट मेरे को लगता है कि आई थिंक एक बार साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी बारसून ने एक बार अपने आपको इंपोज कर दिया फिर सामने वाली टीम पर ज्यादा कुछ था नहीं अफकोर्स यहाँ पर आप बात कर सकते हो लेवेंडाउस की ही गोइंग बट रफीनिया ब्रिलियंट मतलब भाई अगर ये ऐसे तीन महीने और खेल गए तो देर इज नो देर इज नो डाउट कि अगर बारसू ने एक आधी एक आधी ट्रॉफी भी उठा लेगी तो बैलेंडोर के पोडियम पे मेरे को यही तीन दिखेंगे लेवन डाउस की रमीनिया रफीनिया आपस में तीनों देख लेंगे पत्ते वत्ते उछाल के फुकम फुकम करके कि कौन पहले जाएगा कौन दूसरे पे जाएगा कौन तीसरे पे जाएगा बट कितना बड़ा चीज आई थिंक इस इस मैच से ये तो पक्का हो गया कि बार्सिलोना अगर खराब भी खेल रही है तो उसको बहुत आराम से ठीक कर सकती है क्योंकि बॉल उनके पास ही है अगर किसी भी टीम को बार्सिलोना को थोड़ा सा भी हर्ट करना ना तो जस्ट लाइक like, उनको बस बार्सिलोना को इम्पोज करने नहीं देना कि बार्सिलोना अपना गेम ना खेल पाए उनका गेम तोड़ना है उनको बिल्डअप नहीं करने देना उनको ओपन नीचने देना और वो सही बताऊं तो अभी तक कोई भी फिगर आउट नहीं कर पाया ना ही बायन कर पाई

लाइक uh, मोमेंटम like, से फॉर्म से बहुत ही मुश्किल लगता है मेरे को मतलब बारसोन वर्सेज इंटर तो मतलब ब्लॉक बस्टर हो जाएगा गिवन इंटर ने क्या गेम दिखाया अब इंटर वर्सेज आर्सनल की बात करें तो आर्सनल ने बुरा नहीं खेला बुरा है एक्चुअली में इंटर ने भी नहीं खेला बट इंटर ने सूंगा भी नहीं है आर्सनल की पेनल्टी बॉक्स को ऑफकोर्स पेनल्टी मेरे को लगा कि ठीक है दी जाती है पेनल्टी बट पेनल्टी तो आर्सनल की ही बनती है गोलकीपर को इतना प्रोटेक्ट क्या करना है भाई और बल्कि उसमें तो प्रोटेक्शन की बात नहीं है भाई मतलब उसने मुक्का उसने घुती बजा दिया भाई उसके बट ये आर्सनल थोड़ी प्रिडिक्टेबल लग रही है दे आर नॉट बैड बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और स्टिल प्रिडिक्टेबल भाई लाइक like विद अगर हम अडेगाड़ की बात करें तो अडीगार्ड आज बेंच पे था लेकिन आपने कायाबर्ट्स को खिला रखा था आपने मार्टिन लिया आप ओवरलोड कर रहे थे आप वन टू पासिंग कर रहे थे सब सही चल रहा था आप देख रहे थे कि भाई बुकाय और शाखा की तरफ कैसे आ रहा है बट इंटर का जो लो ब्लॉक है ना नहीं तोड़ सकते और इंटर की सबसे खास बात ये है कि इंटर इतना डीप डिफेंड करती है और इतना फिजिकल होकर डिफेंड करती है बट वेन दे गो एन काउंटर अटैक उनके जो वन टू पासिंग होती है और जो आईक्यू जो पैटर्न ऑफ प्ले होता है ना उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा मुश्किल है मतलब अगर हम बात करें यहां पर लाइक लोतारो मार्थिनेस की बात करें अगर हम बात करें यहां पर जब बाद में थोड़ा आया अगर हम बात करें काला नोगलू की द बेस्ट पार्ट अबाउट इंटर इज की भाई वो इस मैच में वो डुअल्स जीत रहे थे आर्सनल भाई थोड़ी प्रोडिक्टेबल तो लग रही है दे आर लाइक हॉरिजोटल पासिंग हो रही है दे आर फिगरिंग आउट एंड लाइक बट फाइनल क्रॉस क्रॉस डाल रहे हैं उस की आज इतने उन्होंने ट्राई करे पर एक भी ढंग का क्रॉस नहीं था लिटरली भी एक ढंग का क्रॉस नहीं था अगर मैं की बात करूं, तो लगता है कि हाँ इनपुट है, है।, like... है आज मैं कहूंगा कि आर्सनल थोड़ी अनफॉर्चुनेट रही क्योंकि देखो पेनल्टी ठीक है वो दी जाती थी लेकिन पेनल्टी मिलनी भी चाहिए थी लेकिन इसके बावजूद भाई इंटर का ब्लॉक तोड़ना मतलब

उधर इंजागी की लाट पकड़ी होगी ये होना चाहिए भाई यह होना चाहिए बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई आर्सनल के लिए टॉप एट की तो मुश्किल लग रहा है भाई टॉप एट भाई इस नए चैंपियन लीग के मॉडल ने लाइक आर्सनल हो गया मैनचेस्टर सिटी हो गया रियल रियाल को तो उखाड़ ही दिया लेकिन जो सबसे बड़ी गांड पे किसी के मारी तो भाई वो पेरिस पेरिस्तान जबैन है बार्सोना इज मोस्ट प्रोबली लाइक टॉप एट कंफर्म करे बट गिवन द फैक्ट यहां पर बार्सोना का मेरे को लगता है अगर कोई इस ऑफ टाइम पर यूरोपियन फुटबॉल में मैचअप कर सकता है इट्स आई आई थिंक लिवरपूल इज वन ऑफ दम मैनचेस्टर सिटी इज वन ऑफ दम अभी की मैनचेस्टर सिटी तो नहीं थोड़ी सी पिट जाएगी मैनचेस्टर सिटी बट लिवरपूल इज वन ऑफ दम मे बी यहाँ पर अफकोर्स इंटर नाज तो है ही है बट आई थिंक भाई अगर, अगर लमी यमाल की बात करें इधर से अगर काले नोगलू की बात करें अफकोर्स यहाँ पर अगर, अगर आर्सनल की हम बात करें तो दे आर अनफॉर्चुनेट बट भाई पैटर्न में चेंज तो करना पड़ेगा क्या वो ओडेगार्ड को इंजेक्ट करके एक नया अनप्रोडिक्टिबिलिटी आएगा नया डायरेक्टनेस आएगा बिकॉज इट्स टेल मतलब इट्स टेल इंटर को कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना पड़ा अपने पेनल्टी बॉक्स को डिफेंड करने के लिए देवर लाइक देवर दे आर लाइक प्रिपेयर फॉर व्हाट्स कमिंग चाहे क्रॉसेज आ रहे तो उसके लिए प्रिपेर्ड थे चाहे वो यहाँ पर अगर मार्टिन अली की बात देखो इंटेंट और वर्क रेट की बात करूँ तो कुछ मतलब कमी नहीं है बट आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द टेक्निकल पावर इट्स जस्ट अबाउट द टेक्निकलिटी क्रिएटिविटी और जब भी मैं क्रिएटिविटी टेक्निकल चीज़ की आई थिंक आई हैव टू पुट बारसोलोना ऑन द लाइक द एज अ पायरियर सबसे ऊपर बैठे हूँ और मेरे को लगता है कि सेकेंड नंबर पर जो भी होगा बारसा और उसमें काफ़ी बड़ा अंतर होगा दस वाई वही मैं कह रहा हूँ ना जिनको मैं लेके आया था वो फैन बन गए